Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. Today I am going to start our new topic, that is regionalism. So let's start. India has unity in diversity, in which people following diverse religions, speaking different languages, belonging to different castes, races and culture have been living since centuries in this country. No other country in the world has such diversity as India has. Cultural progress is not associated with particular caste or creed, but it's a unified effort of people living in India. कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मालूम है, कहा गया है कि हमें मालूम है कि पहले से बहुत सालों से इंडिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोलते लोग, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते लोग रहते हैं. तो इस अगर हम बात करें तो इस दुनिया में ऐसी दूसरी कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी, यानी इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी लोग साथ में रहते हों. तो यहाँ पे कल्चर जो है वो पर्टिकुलरली किसी कास्ट या क्रीड को फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग, पूरे इंडिया के लोग यूनिटी से, एकता से रहते हैं. वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म आर सर्टेन ग्रीडी पॉलिटिशियंस, वेरियस कम्युनल ग्रुप्स हु एक्सप्लॉइट द फीलिंग ऑफ पीपल एंड फियर देम फॉर देयर मोटिव्स. द पीपल हु क्रिएट एंड इंस्टिगेट रीजनलिज्म आर हार्मफुल एलिमेंट्स फॉर नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. तो स्टूडेंट्स हमारा अगर इंडिया इतनी एकता से, इंडिया एक ऐसा देश में देश है जहाँ पे अलग अलग हर एक तरह से लोग अलग एक दूसरे से फिर भी साथ में रहते हैं, तो फिर लोगों के अंदर रीजनलिज्म की फीलिंग कहाँ से पैदा हुई? रीजनलिज्म यानी कि अपने अपने रीजन को, अपने राज्य या फिर अपने शहर को प्यार करना. तो सिर्फ अपने रीजन को प्यार करना, तो ये फीलिंग लोगों के अंदर कैसे पैदा हुई? तो कुछ ऐसे ग्रीडी यानी लालची पॉलिटिशियंस या फिर कम्युनल ग्रुप जो अपने मोटिव्स, अपना फ़ायदा पूरा करने के लिए जिन्होंने लोगों के दिल में ये फीलिंग पैदा कर दी. द पीपल हु क्रिएट एंड इंस्टिगेट रीजनलिज्म एंड हार्मफुल एलिमेंट्स फॉर नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. द एस्पिरेशन फॉर पर्सनल डेवलपमेंट इज गुड थॉट. कि लोगों को द एस्पिरेशन फॉर पर्सनल डेवलपमेंट इज गुड थॉट, बट द वन हु possess danger to the society at large never aspire for overall development of a country. कि आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट चाहे वो अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसे लोग जो उसको गलत नज़रिए से आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी, समाज, देश खतरे में पड़ सकता है, देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ये बात अच्छी बात नहीं है. एक्टिविटीज हार्मिंग वंस ओन स्टेट एंड कंट्री शुड नॉट बी डन. कि अपने स्टेट, अपने राज्य या फिर अपने देश को ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई काम जो नुकसान पहुँचा है वो नहीं होना चाहिए. इंस्टेड वर्किंग टूवर्ड्स वंस ओन कंट्री नेसेसरी आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस कंट्री शुड कम फर्स्ट इंस्टेड ऑफ स्टेट. कि कोई भी काम अगर हम करें तो हमारे राज्य, हमारी फैमिली से पहले, सबसे पहले हमारे ध्यान में कौन आना चाहिए, हमारे दिमाग में हमारा देश आना चाहिए, यानी कि हमें सबसे पहले हमारे देश के बारे में सोचना चाहिए. इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस फॉर पीपल स्पीकिंग कॉमन लैंग्वेज, शेयरिंग कॉमन कल्चर एंड लिविंग इन सर्टेन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप इमोशनल बॉन्डेज फॉर वन अनदर. लैंग्वेज, कास्ट एंड रिलीजन आर द थ्री मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर क्रिएटिंग रीजनलिज्म. कि स्टूडेंट्स रीजनलिज्म लोगों के दिमाग में पैदा करना या रीजनलिज्म देश में पैदा होना, उसका मेन रीज़न क्या है? कि कोई कॉमन जगह हो, कोई कॉमन राज्य हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते होंगे, कॉमन जगह पे साथ में रहते होंगे, तो इसकी वजह से उनके एक दूसरे के साथ उनके अंदर इमोशनल बॉन्डेज भी होगी. तो रीजनलिज्म पैदा करने के अंदर इन्हीं तीन रीज़न ने मेन अपना रोल निभाया है. लैंग्वेज, कास्ट और रिलीजन, इन तीनों की वजह से हमारे देश में रीजनलिज्म हुआ. तो हम इसको डिटेल में देखेंगे. अब फर्स्ट है लैंग्वेज.
Language stimulates regionalism. North India Hindi speaks while South India non-Hindi speakers demand new regions according to language. कि North India के लोग हिंदी बोलते हैं और South India के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, तो South India के लोगों ने अपने लिए अलग रीजन मांगा, अलग जगह मांगी, हमें अलग राज्य दो जो हम, क्योंकि हम लोग हिंदी नहीं बोलते हैं. तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ डिवीजन ऑफ रीजन एज पर द लिंग्विस्टिक बैरियर्स. लेकिन जैसे हमने आगे भी देखा था रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने तो ऑलरेडी इन लोगों की डिमांड से पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया था कि उन लोगों ने लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के हिसाब से रीजन को अलग करना स्टार्ट कर दिया था. तो ऐसे लैंग्वेज के हिसाब से भी हमारे राज्य एक दूसरे से अलग हो गए. अब हम देखेंगे कास्ट एंड रिलीजन. तो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया, कि अलग अलग धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं. सुपरियरिटी ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन एग्जिस्ट इन सर्टेन रीजन्स फॉर रिलीजन. फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश हैव डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लाइफ स्टाइल एंड प्रोफेशन. कि अलग अलग रिलीजन के लोग हमारे देश में अलग अलग रीजन में रहते हैं, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल कि नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये अलग अलग राज्य है. तो अलग अलग राज्य में अलग अलग यानी डिफरेंट कस्टम होंगे, अलग अलग ट्रेडिशन होंगी, इन लोगों की रहने की लाइफ स्टाइल भी एक दूसरे से अलग अलग होगी, काम धंधा भी एक दूसरे से अलग अलग होगा. बोडो पीपल इन आसाम हैव बीन डिमांडिंग अ डिफरेंट रीजन, देयरफॉर स्टॉमी मूवमेंट आर टेकिंग प्लेस. कि आसाम के जो लोग हैं उन्होंने अपने लिए एक अलग जगह, अलग रीजन मांगा, अलग प्लेस, जिसकी वजह से उन्होंने एक मूवमेंट भी स्टार्ट की थी. ULFA टेररिज्म इन एक्टिव इन आसाम, के आसाम के अंदर एक टेररिज्म का ग्रुप, टेररिस्ट का ग्रुप स्टार्ट हुआ था ULFA. पंजाब एंड हरियाणा सेपरेटेड बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म, और इसी रीजनलिज्म की वजह से पंजाब और हरियाणा आज अलग राज्य के तौर पे जाने जाते हैं. यानी कि स्टूडेंट शुरुआत में ये दोनों एक थे, लेकिन रीजनलिज्म की फीलिंग की वजह से लोगों ने डिमांड की, और डिमांड की वजह से पंजाब और हरियाणा दोनों अलग हो गई. इन द सेम वे झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, और बिहार भी, झारखंड भी बिहार से अलग हो गया. छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड उत्तराचल फ्रॉम उत्तर प्रदेश. करंटली द डिमांड फॉर द सेपरेट विदर्भ रीजन फ्रॉम महाराष्ट्र हैज़ बीन गोइंग ऑन. यह आगे भी हमने देखा था कि महाराष्ट्र को और विदर्भ को अलग करने का काम चल रहा है. इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड यूनिटी ऑफ कंट्री शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट द डिमांड ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India declared India as a sovereign, socialist, secularist, democratic and a republic country. During the time of reorganization of state religion, demands should not be priority, but unity of the country should be the main aim. कि हालांकि लोगों ने रिलीजन को ध्यान में रख के, लैंग्वेज को ध्यान में रख के एक दूसरे राज्य को अलग करने की डिमांड की और अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जब रीऑर्गेनाइजेशन का स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा था, तो इस कमेटी ने रिलीजन को बीच में नहीं रखा था. इस कमेटी ने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हमारे रिलीजन को, हमारी कास्ट को बीच में नहीं लाना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का डेवलपमेंट हो, देश की यूनिटी बनी रहे, देश में एकता बनी रहे, शांति बनी रहे, ये हमें ध्यान में हमेशा रखना है. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रीजनलिज्म के बारे में इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी. आगे का जो टॉपिक है रीजनल इनइक्वालिटी, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.